नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। जनवाणी कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम, और ये आप ही का कार्यक्रम है क्योंकि आप ही से जुड़ी समस्याएं इसमें रहती है, और आपके मन में जो भी आशंका रहती है, कोई भी प्रश्न रहता है, उससे जुड़ा आपको इसमें हल मिलता है। तो आज के समय की अगर हम बात करें तो हिमाचल में खास तौर पर अधिकांश क्षेत्र जो है वो बागवानी पर निर्भर करता है, और सभी लोग जो बागवानी से जुड़े होते हैं उन्हें ये उम्मीद होती है, उन्हें ये आशा होती है कि जो भी फसल वो लगाते हैं उन्हें उनका उचित मूल्य मिले और उनकी जो मेहनत है उसका उन्हें भरपूर दाम भी मिले। तो इससे जुड़े ही आज हमारा जो विषय है वो है बागवानी के उत्पादन में समर्थन मूल्य में जो है वो हिमफेड की क्या भूमिका रहती है। तो हिमफेड का एक काफ़ी योगदान रहता है किसानों के लिए, तो यही आज हमारा विषय रहेगा। ये लाइव फोन इन प्रोग्राम है जनवाणी, तो इसमें आप सीधे स्टूडियो में जुड़ सकते हैं, और आपके मन में अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 01 77, यहाँ का STD कोड है 28001 77 और 28001 78 28001 77 और 28001 78। तो आप सीधे जुड़ सकते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के विषय विशेषज्ञ से। तो आज हमारे साथ गणेश दत्त जी है जो कि अध्यक्ष है हिमफेड के शिमला। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो हिमफेड के बारे में ही आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ भूमिका रहती है हिमाचल में खासतौर पर बागवानों के लिए जो है वो हिमफेड की। देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1952 में किसान बागवानों और उपभोक्ता के जो विषय हैं उसको लेकर के इस संगठन का जो है गठन किया था जी। और हिमाचल प्रदेश का ये अपेक्स बॉडी है कोऑपरेटिव सेक्टर में जो विपणन के क्षेत्र में है जी। तो उसके बाद निरंतर ये बागवानी, किसान, PDS सारे क्षेत्र में काम करते हुए, बड़े उतार चढ़ाव सहन करते हुए जी, हिमफेड आज अपनी काफ़ी लंबी यात्रा तय कर चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भारत सरकार की जो प्रमाणित खादें होती हैं जी, वो किसान और बागवानों तक पहुंचाना। सरकारी एजेंसी के तौर पर जी, हम सभी किसान बागवानों को जो भारत सरकार द्वारा अधिकृत खादें होती हैं जी, उनको पहुंचाते हैं जी। उसके साथ ही जो कृषि उपकरण हैं और जो उपभोक्ता के विषय और भी कई आते हैं, जिस प्रकार से किसी समय यहाँ PDS का सारा राशन की चीनी, चावल, दालें सारा हिमफेड के माध्यम से सारे प्रदेश में इसकी वर्किंग रही है जी। और पिछले काफ़ी वर्षों से जब ये जो सेब का सीजन आता है, खास करके जैसे आजकल के दिन चल रहे हैं जी, तो जुलाई से लेकर के ये 31 अक्टूबर तक जी, ये एक सेब का जो सीजन चलता है, इसमें हमारी मुख्य भूमिका ये रहती है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो किसान और बागवान हैं खास करके, उनका जो लोअर ग्रेड का, जिसको सेब कहते हैं सी ग्रेड का जी, उसका कोई विपणन, वो मार्केटिंग नहीं होती है उनके माध्यम से। तो किसानों को, बागवानों को सरकार की ओर से सहायता मिले जी, और उनका जो सी ग्रेड का सेब भी बर्बाद न जाए जी, उसका कुछ न कुछ मूल्य बागवानों को मिलना चाहिए जी, इस मनसा से सरकार ने योजना बनाई है। इसको MIS कहते हैं जी, MIS मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जी, मंडी मध्यस्थता योजना इसको कहते हैं जी। इसके तहत हिमाचल प्रदेश सरकार हर वर्ष एक पॉलिसी बनाती है, उस पॉलिसी के अंतर्गत सेब है, संतरा है, नींबू है, गलगल है जी, इसके लिए समर्थन मूल्य तय करती है जी। और पिछले काफ़ी वर्षों से निरंतर कुछ न कुछ, पहले की सरकारों में तो कभी 25 पैसे प्रति किलो बढ़ते थे, कभी 50 पैसे प्रति किलो बढ़ते थे जी, लेकिन हमारी सरकार ने, जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जी, पिछले वर्ष 1 रुपये प्रति किलो की और इस वर्ष भी 1 रुपये प्रति किलो की इसमें वृद्धि की जी है। तो आपसे ये जानना चाहते हैं क्योंकि जब समर्थन मूल्य की बात की, जैसे कि आपने अभी कहा सेब पर है, नींबू, गलगल और बहुत सारी फसलों पे आप ये जो समर्थन मूल्य देते होंगे, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि समर्थन मूल्य क्या होता है और क्यों इसकी जो इम्पोर्टेंस रहती है। समय समय पर कई बार सूखा पड़ जाता है जी, कई बार सेब का जो साइज होता है वो पेटियों में मार्केटिंग में नहीं जाता है, मार्केट में नहीं जाता है जी। तो वो किसान
बागवान जो है उसके कारण जो है ना कई बार उनको आर्थिक नुकसान हो रहा था जी। क्योंकि जो सेब की खेती है हिमाचल प्रदेश में 5,500 करोड़ की आर्थिकी जो है हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती से प्राप्त होती है जी। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार किसान बागवानों के प्रति हमेशा सजग रही है, खास करके बागवानों के जिसने 5,500 करोड़ की आर्थिकी प्रदेश को देनी है जी। तो उस किसान और बागवान का मनोबल टूटे ना और उसको विषम परिस्थितियों में भी एक खड़ा रखने के लिए ये समर्थन मूल्य की एक योजना जो है ना सरकार ने काफी वर्षों से लागू की हुई है जी। उसके माध्यम से जो बागवान का जो अच्छा सेब है वो तो पेटियों में पैक होकर के मार्केट में चला जाता है जी। उसके बाद जो छोटा साइज का सेब है जो पेटियों में नहीं जा सकता है उसके लिए ये स्कीम बनी है जी। उसी प्रकार से जैसे निचले क्षेत्रों में आम है जी। आम के लिए भी समर्थन मूल्य सरकार ने तय किया है जी। तो उस समर्थन मूल्य के माध्यम से बागवान किसान अपने खेत अपने घर के नजदीक ही उसका जो है ना एक प्रकार से विपणन कर सकते हैं जी। क्योंकि जैसे ही ये MIS की स्कीम सरकार बनाती है तो इसमें हिमाचल प्रदेश की दो एजेंसियां हैं HPMC और HIMFED जी। उनको कुछ केंद्र आवंटित कर दिए जाते हैं जिसमें उन केंद्रों में बागवानों की जो उपज है MIS के तहत उसका कलेक्शन होता है और उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है और उसके बाद कुछ ऑक्शन सेंटर तय होते हैं जिसको हम नीलामी केंद्र कहते हैं जी। उन नीलामी केंद्रों पर जाकर के ये सेब जो है बिकता है जी। जैसे HPMC के पास तो एक प्रोसेसिंग यूनिट है वो अपना जूस जैम वगैरह बनाते हैं जी। लेकिन HIMFED के पास अभी वो प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा कि जिस प्रकार से ये MIS का सेब क्योंकि जैसे इसकी ऑक्शन होती है तो वो काफी कम रेट पर बिक जाता है उसे जी बिल्कुल। अगर हिमाचल में ही हिमाचल में ही कुछ ऐसे जगह मिल जाए हमारे बागवानों को कि यहीं पर उन्हें ये सेब मतलब अच्छी कीमतें इसकी मिल जाए और ऐसी कोई फैसिलिटी रहे हिमाचल में ही। हमने काफी पिछले 2-3 वर्षों में प्रयास किया है जी। एक हमारे हिमाचल में एक जाबली का क्षेत्र है जहाँ पर एक कोऑपरेटिव सेक्टर में हिम प्रोसेस का एक यूनिट चलता था जी। लेकिन पिछले 12 वर्षों से वो बिल्कुल एक किस्म से मतलब मृत प्राय है जी। वहां से कोई सरकार को आय भी नहीं हो रही है और केवल मात्र स्ट्रक्चर खड़ा है जी। हमने सरकार से कहा है कि सरकार में जो कोऑपरेटिव एक्ट है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कोऑपरेटिव एक्ट से एक इम्प्लीमेंट होता है सारी व्यवस्थाएं कोऑपरेटिव एक्ट के माध्यम से चलती हैं जी। कोऑपरेटिव एक्ट में एक प्रावधान है कि जो हिम प्रोसेस है वो भी कोऑपरेटिव का है जी। तो उसकी प्रॉपर्टी अगर एक प्रकार से एक मृत प्राय हो जाती है और आगे कुछ उसको एक प्रकार से रिवाइव करने का कोई तंत्र नहीं बचता है जी। तो उसको कोऑपरेटिव सेक्टर में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमने सरकार से मांग की है कि वो स्थान हमको आप दे दें जी। और क्योंकि HIMFED कोऑपरेटिव संस्थान है तो उसमें कोई आपत्ति भी किसी को नहीं होगी जी। तो जैसे ही वो हमको मिलेगा तो हम इसमें हिम प्रोसेस जो पहले एक कार्य करता था लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पा रहा है जी। तो HIMFED उस कार्य को करना चाहता है तो उसमें हम प्रोसेसिंग में जूस भी बना सकते हैं जैम भी बना सकते हैं और साइडर भी बना सकते हैं जो सेब का साइडर बनाते हैं तो उससे मार्केटिंग के माध्यम से ये संस्थान भी और मजबूत होगा और सरकार को भी उसका लाभ होगा जी। खासतौर पर अगर हम हिमाचल के बागवानों की बात करें तो इससे क्या बेनिफिट यहाँ पर स्पेशली किसानों का होगा क्योंकि अगर ये आप जैसे जाबली क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो इसमें बेनिफिट क्या रहेगी। इसमें देखिए जो है किसान को इस समय जो मैंने कहा था कि समर्थन मूल्य जो है जी वो 10.5 रुपए किलो के हिसाब से बागवान को तो अपने कलेक्शन सेंटर में ही मिल जाता है जी। उसके बाद जब उसकी मार्केटिंग होती है तो उसके रेट कई बार 3 रुपए कई बार 4 रुपए किलो आते हैं जी। तो उस जो गैप है 10.5 रुपए से लेकर के और 3.5 और 4 रुपए किलो का जो गैप है बीच का वो सरकार को नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में अगर हम कोई नया प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं तो वो जो सरकार को नुकसान हो रहा है हम उसको उसकी पूर्ति कर सकते हैं क्योंकि उसमें जूस बनाएंगे जैम बनाएंगे मुरब्बा बनाएंगे कुछ और अन्य पदार्थ बनाएंगे तो ये सरकार को जो नुकसान हो रहा है उसको हम बचा सकते हैं। और जो किसान और बागवानों के जो
जो फसल की अच्छी प्राइस जो है ना उनको मिल सकती है, ये हमारा प्रयास रहेगा। जैसे आपने कुछ फसलों के भी बात की कि जैसे सेब पे और आप आम पे, नींबू, गलगल, ऐसी कुछ फसलों पे आप ये समर्थन मूल्य देते हैं, तो क्या अन्य भी कुछ ऐसी फसलें हैं जिस पे आप समर्थन मूल्य देते हैं या ऐसी कोई डिमांड आपके पास आती है किसानों की? क्योंकि कुछ एक ज़िले हमारे पास ऐसे भी है जहाँ पर आम भी नहीं होते हैं और जहाँ पर सेब या फिर नींबू ऐसी चीज़ें नहीं होती है, तो उन ज़िलों के लिए क्या स्कीम्स रहती है, उन किसानों के लिए क्या स्कीम्स रहती है जो कि ऐसी डिमांड करते हैं कि उनकी फसलों के लिए भी, जैसे हम सोलन जिले की ही बात करें तो वहां पर टमाटर बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसी भी कुछ डिमांड्स रहती होगी आपके पास कि उन्हें भी ये जो समर्थन मूल्य है वो दिया जाए? देखिए, जैसे सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है जी कि भी समर्थन मूल्य हमने किस किस चीज पर देना है जी, उसमें सेब इंक्लूडेड है जी, आम है, नींबू है, संतरा है, गलगल है जी। अभी तक समर्थन मूल्य में केवल ये चीजें इंक्लूडेड हैं जी। अब किसानों की बाकी जगह से भी डिमांड्स आ रही हैं, जैसे टमाटर वाला क्षेत्र है वो भी कहते हैं जी हमको भी समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, या कोई बहुत सारी सब्जियां अदरक वाले भी कह सकते हैं कि हमें भी समर्थन मूल्य उसका देना चाहिए जी। तो ये विषय जो है लंबे समय में कुछ इन पर कहीं बातचीत हो पाएगी जी। लेकिन अभी तक तो हम यही कह सकते हैं कि जो इस समय जो MIS के तहत जो सेब है, जिसको मैंने पहले कहा कि क्योंकि प्रदेश की सबसे बड़ी आर्थिकी इसी पर निर्भर है और उसी के कारण एक छोटे लेबर से लेकर के एक बागवान से लेकर के एक उच्च अधिकारी से लेकर के सारे लोगों की आर्थिकी इसी पर निर्भर है, तो इसको जीवित रखना हमारा दायित्व भी है और हम इसके लिए निरंतर प्रयासरत भी हैं कि ये जो एक आर्थिकी का एक माध्यम हमारे लिए बना है, सशक्त माध्यम है, इसको कहीं भी कोई आंच ना आए जी, इसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं। जी, एक आपने जैसे अभी सेब की भी बात की कि आपको बहुत सारा नुकसान, क्योंकि जब आप किसी एक फसल पर MSP देते हैं या फिर समर्थन मूल्य देते हैं तो बहुत सारा स्टॉक एक तरह से गवर्नमेंट के पास हो जाता है, और अगर आप कुछ ही फसलों पर ये देते हैं तो एक हो सकता है कि ये स्टॉक इतना ज़्यादा हो जाए कि गवर्नमेंट का इसमें नुकसान भी रहता है, तो ऐसी भी क्या परिस्थितियाँ आती रहती हैं? देखिए, इसमें गवर्नमेंट को तो नुकसान है ही है जी, क्योंकि जब 10.5 रुपये, मैंने कहा कि 10.5 रुपये किलो चाहे आम का रेट है चाहे हमारे सेब का रेट है जी, वो सरकार समर्थन मूल्य देती है, लेकिन वो मार्केट में जाकर के 3 रुपये और 4 रुपये किलो बिकता है जी, तो वो जो गैप है वो तो सरकार को ही उसकी भरपाई करनी पड़ती है जी, तो ये नुकसान ही है जी। तो इसके लिए हम ऐसा तंत्र विकसित करें जिससे उपज का जो लाभ किसान को लगातार मिलता रहे, बागवान को मिलता रहे, और सरकार भी उसी से अपनी जो है ना जो नुकसान की भरपाई करे उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए, ये हम बार बार मांग भी करते हैं और ये समय की आवश्यकता भी है जी। एक बार मैं दर्शकों को फिर से बताना चाहती हूँ कि ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं और कोई आपका हिमफेड से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है और बागवानों में जो समर्थन मूल्य से संबंधित कोई भी अगर आपके मन में सवाल है तो आप सीधे स्टूडियो में जुड़ सकते हैं 01772800177 और 28001778 यहाँ के फ़ोन नंबर है, और आज हम बात कर रहे हैं उत्पादन जो कि बागवानी उत्पादन है उसमें समर्थन मूल्य में हिमफेड की क्या भूमिका रहती है। तो आज हमारे साथ इसके अध्यक्ष है हिमफेड के गणेश दत्त जी, तो इनसे बातचीत हम कर रहे हैं और अब आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो हमारा आपने कहा कि समर्थन मूल्य आप कुछ एक चीज़ों में दे देते हैं तो एक कहीं ना कहीं किसान बंध भी जाता है, जैसे कि वो सोचता है कि हमें यही एक ऐसी फसलें उगानी चाहिए जिसमें कि हमें एक सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि किसान को तो जो लोग और कुछ फसलें उगाना चाहते हैं एक बंधन भी हम इसे कह सकते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो हर जगह अपना अपना रहता है, जैसे हम जो दूसरी फसलों की बात करते हैं, चाहे गेहूं की फसल की बात करें, जौ की बात करें या धान की बात करें, उसका भी अपने स्तर पर समर्थन मूल्य तय होता है जी। ये एक पॉलिसी का पार्ट है जी। लेकिन जहां तक अब एक कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके समर्थन मूल्य की बात तो कही जाती है लेकिन उन पर रेट की स्टेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल, तो अगर समर्थन मूल्य पर जैसे हम महंगी चीज कोई खरीद लेते हैं लेकिन उसकी मार्केट अगर बहुत ही नीचे चली जाती है तो भी क्योंकि सरकार को सीधा नुकसान होने की संभावना बनी रहती है जी। लेकिन प्रयास ये रहना चाहिए कि
किसान को जो लागत का जो है ना मूल्य कम से कम उसको मिले जी। उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। कई बार अब देखते हैं हम लोग कि प्याज कभी 80 रुपए किलो हो जाता है, कभी 2 रुपए किलो हो जाता है, कभी टमाटर भी 80 रुपए किलो हो जाता है, कभी 5 रुपए किलो आ जाता है। तो ये जो गैप है, एक अनिश्चितता है, इसको थोड़ा सा समाप्त करने की आवश्यकता है कि किसान बागवान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले जी। और एक अनिश्चितता की जो एक स्थिति बनी रहती है जी। वो ना बनी रहे तो इस ओर प्रयास रहना चाहिए निरंतर जी। और उस ओर प्रयास करना भी चाहिए, मैं ये कहता हूँ जी। तो जैसे कि आपने शुरू में कहा कि आपके खादे वगैरह भी आप किसानों के लिए प्रोवाइड करते हैं, तो एक जो हम प्राकृतिक खेती की बात आजकल इस दौर में कर रहे हैं, तो क्या इस ओर भी हिमफेड की कोई भूमिका रहती है? हाँ, निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी। जो आज तक जितनी भी ये केमिकल खादों का इस्तेमाल हो रहा है जी, अभी भी हो रहा है, क्योंकि बागवान किसान जो है ना अधिक से अधिक उपज पैदा करना चाहता है जी, बिल्कुल। लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा सामने देखने को आ रहे हैं। उससे कई बार क्या है, कई बीमारियां ऐसी पैदा हो जाती हैं केमिकल के माध्यम से जी। अब धीरे धीरे हम ऑर्गेनिक खाद की ओर भी जा रहे हैं जी। ऑर्गेनिक खाद के माध्यम से जो केमिकल विमुक्त खाद है, मतलब केमिकल उसमें युक्त नहीं होगा जी, उसके रहित जो खादें हैं उसका हम प्रयोग करना शुरू कर दिया है। और हमने लगातार अब ये प्रयास किया है कि एक जैसे हमारी सरकार ने एक शून्य लागत पर जो एक खेती वाला जो एक बहुत बड़ा इशू और शुरू किया है जी। और सारे देश में हिमाचल प्रदेश एक मॉडल राज्य के रूप में शून्य लागत वाली खेती के लिए प्रसिद्ध है जी। यहाँ पर पहले माननीय राज्यपाल जो आचार्य देवव्रत थी जी, उस समय से लेकर के उसके बाद के जितने भी राज्यपाल हैं वो सारा इसी प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों के समय से जो खेती का हम एक प्रकार से जो खेती में जो खाद उपयोग करते थे जी, गोबर की खाद है, दो दूसरे हमारे घरेलू जो बनाई हुई खादें हैं जी, उसके उपयोग से एक तो जो जमीन की जो किस्म है वो बरकरार रहती है, उसमें जो उसकी जो शक्ति है वो क्षीण नहीं होती है जी। लेकिन जो केमिकल युक्त जो खादें हैं उसके बाद क्या होता है कि आप निरंतर डालते रहिए, कुछ समय बाद उनका जब असर बहुत ज्यादा जमीन पर होता है तो जमीन एक प्रकार से कई बार जो बंजर स्थिति में आ जाती है जी। तो आज के समय में जो प्राकृतिक जो खेती है उसका एक बहुत अच्छा लाभ भी होगा किसान बागवानों को, और उसमें लागत भी उनके लिए कम आएगी। और जो आज पूरे समाज में सब्जियों में चाहे दूसरे अनाज में कुछ बीमारी के कण जो है उसमें आ रहे हैं केमिकल युक्त खादों के कारण, उस पर भी रोक लगेगी। तो निश्चित तौर पर ये हर किसान बागवानों से हम भी आग्रह करना चाहते हैं कि वो प्राकृतिक खेती को अपनाएं और केमिकल युक्त खादें जितनी हैं उसका कम से कम उपयोग करें जी। तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे समाज के लिए भी और पूरे सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा जी। जैसे खासतौर पर समर्थन मूल्यों की जब बात की जाती है, जैसे अभी आपने कहा कि किसान सोचते हैं कि उनकी सब बहुत ज़्यादा इनकम हो और जिसमें समर्थन मूल्य मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा किसान वही फसलें उगाने के लिए तत्पर रहते हैं या फिर प्रयास करते हैं, उससे क्या होता है कि वो केमिकल यूज़ करते हैं या फिर सोचते हैं उससे जो हमारी जो उपजाऊ जो भूमि है उसमें भी कहीं ना कहीं नुकसान होता रहता है। हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि जितना मतलब केमिकल युक्त खाद हम अपनी जमीन में डालेंगे वो जो उसकी जो स्थिति है काफ़ी कुछ सालों बाद वो बिगड़नी शुरू हो जाती है, और जिस उपज की हम ज़्यादा से ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं वो उपज बिल्कुल ही क्षीण हो जाती है। इसलिए केमिकल युक्त खादों का मैंने जैसे पहले कहा कि प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि एक बार जो स्वभाव बन जाता है कि केमिकल युक्त खादों से खेती भी बढ़ती है और जल्दी जल्दी और जो खेती में जो उपज पैदा होती है उसका आकार भी बड़ा होता है, और जैसे सब्जी में ही हम देखते हैं तो बड़ी बड़ी साइज की लौकियां आ जाती है, कोई और किस्म के वो आ जाते हैं, तो ये केमिकल का असर तो रहता है लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा रहा है। तो इसलिए किसान बागवानों को हमको
जो प्राकृतिक खेती है, ऑर्गेनिक खादों का उपयोग ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। जी, आगे आने वाले समय के लिए क्या आपके और कोई प्रोजेक्ट हो जो कि खासतौर पर, क्योंकि बागवानी क्षेत्र यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, ऐसी कोई स्कीम्स हो? और जैसे कि आपने अभी स्कीम की बात की, तो बागवानी तक लोगों तक, आम लोगों तक वो स्कीम्स कैसे आप पहुँचाते हैं हिमफेड के द्वारा? हिमफेड, जैसे मैंने पहले कहा कि हम सरकार की एजेंसी के तौर पर काम करते हैं जी। और जैसे जैसे जो हमको जिम्मेवारी मिलती है, हम उसकी मार्केटिंग करते हैं जी। तो जैसे जैसे योजनाएं बनेंगी, हम उसके अनुसार आगे की योजना बनाएंगे। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है कि हम किसान और बागवानों की जो चाहे जो अपने खेती में जो आने वाले उपकरण हैं उनको उपलब्ध कराते हैं, ग्रास कटर हैं उनको उपलब्ध कराते हैं, ट्रिलर हैं जो खेत में मतलब पेट्रोल से जो है जोतने वाले, जो आजकल क्योंकि लोग बैल और जो वो जो हल चलाने वालों की कमी रहने के कारण एक व्यक्ति अपने खेत में ट्रिलर से भी खेती कर सकता है। तो इस प्रकार के जो उपकरण हैं और उनको भी हम किसान बागवानों को प्रोवाइड करते हैं जी। उसमें HMA है जिसमें हॉर्टिकल्चर जो स्प्रे होते हैं उसको भी हम किसान बागवानों को देते हैं जी। और हम हिमफेड के माध्यम से पेट्रोल पंपों का भी संचालन करते हैं जी। इस समय हमारे पास 6 पेट्रोल पंप जो है काम कर रहे हैं जी। उसमें हम 2-3 और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि हो सकता है कि 2022 में या 23 में हम 2-3 पेट्रोल पंप और लगाएंगे जी। ताकि भी अपने पूरे एक तो इसमें बिजनेस बढ़ेगा तो कुछ और लोगों को रोजगार मिल सकता है जी, जी, जी। तो उसका हम प्रयास कर रहे हैं जी। और अभी हमने हाल ही में एक सीमेंट की डीलरशिप भी ली है हिमफेड ने जी। क्योंकि हम जो आम जो सीमेंट लोगों को मिलता है उससे कुछ कम रेट पर हम सरकारी एजेंसी के तौर पर उपलब्ध कराएंगे जी। हमारा कॉन्टैक्ट हो गया है कंपनियों के माध्यम से जी। हम बहुत जल्दी ही सीमेंट का जो एक डिस्ट्रीब्यूशन का भी डीलरशिप का काम करेंगे हिमाचल प्रदेश में जी। और इसके साथ ही हम कुछ नए स्टोर भी अभी खोलने जा रहे हैं जहां पर ये हमारे खाद्य सामग्री है, उपकरण है, दूसरी चीजें हैं, तो ये उनकी ओर भी हमारा आगे प्रयास रहेगा जी। तो जब आप ये समर्थन मूल्य तय करते हैं, बागवानों को किस तरह से इसमें लाभान्वित वो होते हैं और कितना लाभ उन्हें आपके द्वारा, हिमफेड के द्वारा मिल पाता है? देखिए, जो मैंने पहले कहा कि किसान की जो खेती है वो किसी काम के जो नहीं होते हैं सेब, जिसका मतलब आकार भी बड़ा छोटा होता है, मार्केट में नहीं बिक सकता है जी। उनके पास एक ही साधन बचता है कि उसको या तो फेंक दें कहीं, उसको मतलब कहीं दबा दें, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो ये अगर उनकी जो फेंकने वाली चीज़ को वो बोरियों में भर करके हमारे सेंटरों में ला करके और उसका उनको 10.5 रुपये किलो वहीं पर नोट हो जाता है, जितना वो बोरियां लाएंगे उसी हिसाब से उनको पर्चियां दे दी जाती हैं कि आपने 100 बोरी आई, 50 रुपये बोरी आई। तो उसके बाद जैसे ही हमें उसके मार्केटिंग के बाद जो पैसा आता है हम उनको उपलब्ध करा देते हैं जी। कई बार हमने किसानों को ये भी छूट दे रखी है कि आप पर्चियों के बदले अगर कोई सामग्री लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं जी। अगर आपको नकदी लेना है तो उसका हम चेक दे देते हैं जी। तो ये सीधे तौर पर एक सरकार के माध्यम से, जो हमारे सहकारिता के माध्यम से सीधा बागवानों को इसका लाभ चला जाता है, ताकि उनकी कोई चीज बेकार ना जाए, बर्बाद ना हो, इसका हमारा प्रयास है। यानी एक सिक्योर हो जाते हैं किसान एक तरह से, कि अगर उन्होंने ये खेती की है तो चाहे उनके प्राकृतिक कोई भी समस्या रहे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें एक बेनिफिट रहता है इसका। उसमें सरकार की तरफ से प्रयास जारी हैं जी, क्योंकि उसमें अवेयरनेस सभी जगह चलाई जा रही है जी। और बड़े बड़े सम्मेलन कृषि विभाग के माध्यम से, हमारे लोगों के माध्यम से ये चल रहे हैं कि भाई इसका क्या लाभ होगा और क्या नहीं होगा जी। अभी आपने ध्यान में दिया होगा कि एक नैनो यूरिया आया है जी। यूरिया पहले एक बोरी में आता था जी, अब एक सीसी में आया है जी। वो आधा किलो की जो सीसी है वो एक बोरी का काम करती है जी। ये माननीय अमित शाह जी जब से ये सहकारिता मंत्री बने हैं जी, तब से ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है बागवानों को, उसका इतना लाभ मिलेगा कि एक बोरी जब कोई यूरिया की उठा के ले जाता है तो
सड़क से घर तक उसको 100 रुपए तो कैरेज देनी पड़ती है जी। आज वो यूरिया नैनो यूरिया जो है वो बोतल अपने थैले में डाल करके 5-7 बोतलें बंदा अपने घर ले जा सकता है जी। तो ये किसान के लिए एक बचत का एक बहुत बड़ा माध्यम है जी। और दूसरा ये है कि आपको बहुत कम मात्रा में आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं जी। तो ये सरकार का निरंतर प्रयास भी है कि भाई हम किस प्रकार से बागवान और किसानों को फायदा पहुंचा सकें जी। उसका जो हेड लोड है सिर पे उठा के ले जाना, पीठ पे उठा के ले जाना जी। उसको भी कम करना और उसकी लागत भी कम। एक अब 240 रुपए की एक बोतल मिलती है जी। तो अब यूरिया का जो है वो 500 या कुछ रुपए का बैग मिलता है। बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और हम आगे भी उम्मीद करेंगे कि हिमफेड इसी तरह जो है हमारे बागवानी विभाग और फिर जो भी किसानों की डिमांड्स रहती है वो उन्हें पूरी करते रहेंगे। तो आज जनवाणी कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारे शो में आए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे विषय पर आज चर्चा की है जनवाणी के माध्यम से जी। दूरदर्शन केंद्र शिमला को बधाई देता हूँ जी। और मुझे आशा है कि जो किसान और बागवान हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जो उनको सूचना मिली है उसका वो निश्चित तौर पर लाभ उठाएंगे जी। तो आज हमने बात की बागवानी उत्पादन में समर्थन मूल्य में हिमफेड की भूमिका के बारे में और गणेश दत्त जी हमारे पास गेस्ट थे जो कि अध्यक्ष है हिमफेड शिमला के। तो आज के जनवाणी कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।